पानी पानी पानी, अंकल जी प्यास लगी है पानी दे दीजिए। ये डायलॉग तो बेशक आप लोगों ने हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा मात्रा में सुने होंगे। एक बच्चा है जो कि इस डायलॉग के जरिए कुछ कॉमेडी करने की कोशिश कर रहा है या मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ये तो हमें समझ में नहीं आया, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। लेकिन क्या आपने इससे पहले कभी ऐसा सोचे थे कि इस डायलॉग के पीछे एक खतरनाक भूतिया घटना छुपी हुई है? अब सोच रहे होंगे कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। अरे भाई, उस बच्चे से, वो वीडियो में जितने भी लोग फीचर किए, उनसे कोई रिलेशन नहीं है। मैं तो बस जोड़ के ऐसा बोल रहा था। भाई, आज की हमारी कहानी एक्चुअली जुड़ी हुई है घाटपुर नाम के गांव से, जो कि मतलब आज से 15 साल पहले के आसपास बहुत ही ज़्यादा छोटा और बहुत ही ज़्यादा मतलब टिपिकल रूरल एरिया जो होता है ना, वो हुआ करता था। यहाँ पर ढंग से बिजली भी नहीं थी 15-16 साल पहले। उस टाइम पर इस गांव में सूखा पड़ गया। तो ऐसा था कि सूखा पड़ता है तो क्या होता है पता है ना, अनाज पानी सबकी बड़ी टेंशन हो जाती है। बहुत समय तक किसी एरिया में बारिश नहीं होती है तो ऐसी वाली प्रॉब्लम ज़्यादातर गाँव में होती है। शहरों में तो चीज़ें जैसे तैसे करके मैनेज हो ही जाती है, लेकिन जो बहुत छोटे गांव रहते हैं, जो आपस में एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहते हैं, वहाँ पे ऐसी वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सूखा पड़ने के वजह से पहले पड़ जाया करती थी। तो ऐसे ही घाटपुर में भी खतरनाक वाला सूखा पड़ा। भाई, यहाँ पर सूखा पड़ गया तो गाँव के जितने भी लोग थे वो पानी लेने के लिए गाँव की सीमा से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर एक कुआँ था, बड़ा सा, बेहद पुराना, बहुत गहरा कुआँ, वहाँ पर जाया करते थे, पानी भरते थे और अपने घर लेकर आया करते थे। इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी हुई थी, बारिश का मौसम आ गया था, लेकिन एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी। ऐसी सबकी दिनचर्या चल रही थी, लोग जैसे तैसे करके एडजस्ट कर रहे थे। इसी गांव में चंदन नाम का लड़का रहता था। चंदन का एक बहुत ही खास दोस्त था, हेमचंद। अब हेमचंद के बहुत सारे दोस्त थे गाँव में। चंदन ज़्यादा दोस्ती नहीं करता था, उसको अकेला रहना पसंद था, लेकिन फिर भी हेमचंद को उसने दोस्त बना के रखा था और हेमचंद का पूरा मान लो एक ग्रुप था, पूरा एक गुट था। अब जब कभी भी चंदन को पानी वानी लेने जाना रहता था तो वो हेमचंद को लेके जाता था, और हेमचंद रास्ते में चलते चलते सारे लड़कों को बटोर ले कि चलो चलो पानी लेके आते हैं। इनके लिए पानी लाना एंजॉयमेंट हो गया था। खैर, ऐसी एक दिन की बात है, ये लड़के लोग, सब लोग, उम्र कितनी रही होगी ये यार, 18-19 साल के आसपास की, सभी लोग बढ़िया अपने अपने बर्तन उठाए, शाम के 5 बजे के आसपास बोले चलो पानी लेके आएंगे। उस दिन भी धूप बड़ी खतरनाक तपी हुई थी, 5 बज गए थे, फिर भी ये लोग जा रहे पैदल जाते थे, साइकिल वाइकल थी नहीं इन लोगों के पास। तो थोड़ा आगे जाने के बाद ना गर्मी से ना ऐसा सिर तपने लगा, ऐसा हो जाता ना, ऐसा हाथ लगा तो गर्म गर्म लगता है, होता है। इन लोगों का होने लगा, इन लोगों को चक्कर आने लगा, सब लड़कों, छोटे छोटे तो लड़के थे 18-19 साल के। तो इन लोगों ने डिसाइड किए कि थोड़ी देर एक पेड़ सामने दिखाई दे रहा है उसके नीचे बैठ जाते हैं, भाई हाँ थोड़ा अपना ठंडक हो जाएगा फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये लोग बैठ गए। अब बैठे हैं तो कुछ बात कर रहे हैं, हेमचंद सबको चुप कराता है, भाई चुप। यहाँ पे बैठे हैं तो एक मेरे को किस्सा याद आ गया, कितना खतरनाक कांड हुआ था ना हमारे गाँव में। ये लोग सब बड़े कन्फ्यूजन से उसको देखने लगे, भाई कौन सा कांड? ये बोलता है, भाई 25 साल पहले वाला कांड तुम लोगों को याद नहीं है क्या? बोले तेरे को याद है क्या, तू पैदा हो गया था क्या? बोलता है, नहीं मैं पैदा नहीं हुआ था, मम्मी पापा ने बताए हैं। ऐसे ही जो अभी अपने गांव में सूखा पड़ा हुआ है ना, आज से 25 साल पहले भी पड़ा हुआ था। आज के ज़माने में तो इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह है, उस ज़माने में तो वो भी नहीं थी। उसी अकाल के टाइम पे हमारे गाँव में एक औरत आई बाजू वाले गाँव से, उनके गाँव में भी अकाल पड़ा हुआ था। बारिश तो भाई कहीं पर हुई नहीं थी, उन लोगों के पास तो पीने को एक बूंद भी पानी नहीं था, अपने पास तो थोड़ा सा पहले से लोगों ने स्टोर करके रखे थे तो पानी था। वो औरत को पता चल गया कि इन गांव वालों के पास पानी है। उसका बच्चा ना बहुत समय से बीमार था, जरा सा बच्चा था, इतना सा, बहुत छोटा सा था, और उसको बहुत प्यास लगी हुई थी, तो अपना बच्चा लेके अपने गांव में आ गई, पानी दे दो करते करते हर घर में दरवाज़ा खटखटा रही है, लेकिन कोई पानी नहीं दे रहा है, किसी ने पानी नहीं दिया। बेचारी थक हार के अपने बेटे को रोता रोता देखी तो उसने ठान ली कि अब चाहे चोरी भी करना पड़े पानी की, मैं करूँगी। उसी टाइम उसकी नज़र पड़ी अपने गांव के सरपंच के दरवाजे पर, उसके दरवाजे के बाहर की तरफ ही, मतलब उस दिन उसका जो मेन गेट है वो खुला हुआ था और दरवाजे के बाहर की तरफ ही एक मटका रखा हुआ था, फुल दिख रहा था, दूर से ही समझ में आ गया था कि मटके में पूरा लबालब पानी भरा हुआ है। वो खुद को रोक नहीं पाई, बच्चे के साथ दौड़ते दौड़ते गई और तुरंत उसने पानी निकाली और बच्चे को पिलाई ही है कि पीछे से सिर में बहुत जोर का किसी ने मारा, बहुत गंदा तरीके से, मुंह के बल गिर गई। उसको घसीटते हुए सरपंच ने बाहर लेके आया, वो अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ी, और सरपंच के वहाँ पे साइड में, घर के साइड में
जो कुल्हाड़ी से काटने का होता है ना, कुल्हाड़ी जिससे लकड़ी काटते हैं, कुल्हाड़ी रखी हुई थी। कुल्हाड़ी उठा के सीधे उस औरत के ऊपर वार कर दिया। औरत की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। वो बच्चा वहीं पर पड़ा रहा, तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन गांव के एक भी व्यक्ति ने उसकी मदद नहीं किया। सरपंच से डर रहे होंगे ना? सरपंच से डर रहे थे, क्योंकि अगर भाई मदद कर दी और सरपंच जी हमारे ऊपर भड़क गए तो हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। इसीलिए किसी ने मदद नहीं किया और वो बच्चे ने उस दिन से अगले दिन में 24 घंटे में अपने भी प्राण त्याग दिया, उसकी भी मृत्यु हो गई। बस ऐसा हुआ। ये कहानी जैसे ही अपने इसने सुना, चंदन ने, तो इसको थोड़ा सा अजीब सा लगा, यार कैसी, कितनी दर्द भरी कहानी थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मुझे ये कहानी। उसने पाया कि समय भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अब ये लोग बैठ गए हैं बकवास करते रहेंगे। जैसा कि ये एकांत प्रिय लड़का था, ये बोला कि तुम लोग बैठो बात करो, मैं थोड़ा निकल रहा हूँ, मुझे ना शाम को एक काम याद आ गया यार, घर पे कंप्लीट भी करना है, तो मैं पानी लेके फटाफट निकलता हूँ। उन लोगों ने बोले ठीक है जाम थोड़ी देर बाद ही आएंगे। इसने अपनी उठाया बाल्टी और बढ़ चला कुएं की तरफ। कुएं से बढ़िया पानी भरा है, फुल कुआं से बाल्टी भी फुल भरा है, और आ ही रहा था कि पीछे से एक लड़के ने आवाज़ लगाया, अंकल जी पानी दे दीजिए, बहुत प्यास लगी है। ये तुरंत पलट के देखा तो एक लड़का था, यही कोई 8-9 साल का लड़का। इसने सोचा कि ये कौन है भाई, और मैं कहाँ से इसको अंकल लग रहा हूँ। इन खैर जो भी है, इसने इग्नोर किया और आगे बढ़ चला। मैं क्यों दूँ पानी, बड़े उससे निकाल रहा हूँ यार मैंने, हाँ क्योंकि अकाल भी पड़ा हुआ था, सबको अपनी पड़ी हुई थी, ऐसी सिचुएशन में सबको अपनी पड़ी रहती है। वो जाने लगा, घर पहुंच गया, उस पानी का यूज़ किया जो भी करना था। फिर रात का वक्त आ गया, खाना खा पी के ये सोने के लिए अपने बिस्तर में चले गया। अकेला अपने कमरे में सोता था, सोया ही है, जस्ट ऐसी आंख बंद हुई है कि अचानक से ऐसा फील हुआ कि मेरे सामने कोई औरत खड़ी। ये तुरंत प्रॉपर अपनी आँख खोल के देखा, उठ के बैठा तो सामने कोई भी नहीं थी। इसने सोचा कि तुरंत नींद आई हुई थी, कोई वहम जैसा होगा, इग्नोर मारता हूँ सोता हूँ। ये फिर से अपना सोने के लिए लेटा है, नींद आ गई। रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास इसकी फिर से नींद खुली। अब इसको वॉशरूम जाना था, वॉशरूम जाने के लिए उठा बाहर। उस समय क्या है कि छोटे छोटे गांव में घर पे शौचालय नहीं हुआ करते थे, बाहर ही हुआ करते थे। अब जिनको ऐसा वाला हल्का होना है तो खेत थोड़ी जाएंगे, अपने घर के पीछे ही हो लेंगे। हाँ वही तो। तो ये भी उठा और घर के पीछे की तरफ होने लगा हल्का, कि अचानक से हल्का होते होते ही इसे फिर से आवाज़ आई, अंकल जी प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। इसने बोला कौन सा पानी मांग रहा है भाई, इसका दिमाग ख़राब हो गया वहाँ पे। फिर भी इसने इग्नोर किया, बोला ये मेरे कान बज रहे हैं क्या, वो जब वहाँ पे जो लड़का मिला था उसने बोला था, छोड़ो इग्नोर करता हूँ, जाता हूँ सोने के लिए। सोने के लिए अपने घर के दरवाजे तक, पिछले दरवाजे तक आया ही है कि फिर से पानी दे दीजिए ना, इसका दिमाग ख़राब हुआ। इस पलटा बोला कौन है भाई, सामने आ जा रहा, क्यों परेशान कर रहा है, पानी चाहिए ना, अभी देता हूँ पानी। ऐसा करके चिल्लाया ही है कि अचानक से इसको ऐसा महसूस हुआ कि जुप से यहाँ पे कोई आया है, एकदम से जुप से कोई आया है। पलट के देखा थोड़ा, क्या पाया कि पीछे एक औरत खड़ी हुई है, बड़ी ही खतरनाक। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है और एक हाथ में एक बच्चा लटक रहा है। यह वही बच्चा जो कि वहां कुएं के पास दिखा हुआ था। इस औरत का चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था, एकदम खूंखार, जैसे कि आंखों में खून सवार हो। वो औरत पूरी ताकत से पीछे करके इसके ऊपर वार करने ही वाली थी कि अचानक से बिजली कड़के, बाढ़ और बारिश शुरू। और जैसे ही बारिश हुई, वो औरत बहुत जोर से खुशी में चिल्लाई है, खुशी में लिटरली, जैसे कि मानो पता नहीं क्या मिल गया उसको, और बहुत तेजी जंगल की तरफ भाग गई। ये देखता ही रह गया कि ये क्या हो गया। ये बात इसने किसी को भी नहीं बताया, लेकिन अपने उस ज्ञानचंद दोस्त हेमचंद को बताया। हेमचंद से बोला कि भाई ऐसा ऐसा मैटर हुआ है। उसने बोला भाई वही पनिया चुड़ैल तेरे पास आ गई थी। बोला कौन पनिया चुड़ैल बे, अब ये क्या नया लेके आ गया। तो हेमचंद ने बताया, अरे वही जिसके बारे में मैंने तेरे को बताया था ना, उसका नाम तो तूने सुना ही नहीं, तेरे जाने के बाद बताया, उसको सब लोग पनिया चुड़ैल बोलते हैं, तो पनिया चुड़ैल ही तेरे पास आ गई थी। तू क्या अकेला गया था ना कुएं की तरफ, तो उसकी मृत्यु के बाद से, वो औरत की मृत्यु के बाद से, जो कोई भी कुएं की तरफ अकेला जाता था उसके पास वो पनिया चुड़ैल या फिर उसका बच्चा चपट जाता था, तेरे पीछे भी दोनों चिपक गए, ऐसा मैटर हुआ। लेकिन किस्मत तेरी इतनी अच्छी भाई कि बारिश हो गई। अब तेरी अकेले की किस्मत का हो या फिर पूरे गांव वालों की किस्मत का हो, इतने समय से सूखा पड़ा हुआ था, बढ़िया बारिश हो गई, चलो अंत भला तो सब भला। ये पूरी पूरी घटना की जानकारी इस गांव के एक बड़े साधारण से लड़के नितिन ने दिया। और नितिन को इस कहानी की जानकारी कहाँ से मिली, हेमचंद से, क्योंकि हेमचंद पूरे गांव का बहुत बड़ा ज्ञानचंद था, वो सबको ऐसी ऐसी कहानियां बताता। खैर अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं
तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेकर आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।